एनसिलेट डायफ्रेक्शन या एनसिलेट फ्रॉम। ये हमारे पास डायफ्रेक्शन पैटर्न की थर्ड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसिलेट डायफ्रेक्शन। एनसिलेट डायफ्रेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ एक कंसेप्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट एक आपके पास ग्लास प्लेट होती है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस रोल डाउन की जाती है। तो ये तमाम लाइंस हमारे पास डिफरेंट नंबर्स में हो सकती हैं, डिफरेंट साइज में हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट अबाउट द ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इस पर जब आप लाइट फॉल करेंगे तो इसमें हर जो एक लाइन है दैट विल एक्ट एज अ स्लिट। तो अगर ये एन लाइंस हैं तो दिस इज एक्ट एज अ एन स्लिट। तो यहाँ पर इसकी एनालिटिकल अगर आप देखें, दिस इज एन स्लिट डायफ्रेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्लिट है, फर्स्ट वन दिस वन। इसी तरह से एक स्लिट ये आपके पास, दूसरा स्लिट है, तीसरा स्लिट है, चौथा स्लिट है, फिफ्थ। और ये यहाँ पर ऐसे डैश डैश लाइन है। डैश डैश लाइन का मतलब है ये स्लिट ये आपके पास एक्सटेंड होता जा रहा है। इसी तरह यहाँ से एक्सटेंड कर दें, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ स्लिट्स यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक सोर्स है लाइट का और ये डिस्टेंट सोर्स लाइट आ रही है फ्रॉम डायफ्रेक्शन। तो जैसे स्लिट पर फॉल करेगी तो स्लिट वन से पहले लाइट बैंड होगी, इसी तरह स्लिट टू से लाइट बैंड होगी, स्लिट थ्री से एंड सो ऑन। उन तमाम बीम को इस पॉइंट पी पर फोकस करने के लिए हम एक कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिट है स्लिट और स्क्रीन के दरमियान, इसलिए हम यहाँ पर एक लेंस प्लेस कर देते हैं। तो लेंस तमाम बीम को एक पॉइंट पी पर इकट्ठा करेगा, जिसकी वजह से आपके पास इस पॉइंट पी पर डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। हमारा जो प्रीवियस कंसेप्ट था वो ये था, हमने स्लिट की विड्थ को बी से जाहिर किया था और उस बी विड्थ के अंदर से तमाम पास होने वाली जो रेस थी हर एक रे को स्मॉल डेल से जाहिर किया था। और एक स्लिट से दूसरे स्लिट तक का जो डिस्टेंस है, यानी सेंटर टू सेंटर, या एक स्लिट की विड्थ से दूसरे स्लिट की विड्थ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ डिनोटेड एज डी। अब तीन पैरामीटर आ रहे हैं, इनको अलग अलग आपने डिस्टिंग्विश करना है। जो डेल है वो दो रेज के दरमियान डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल, वेयर ईच पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यानी हमने पढ़ा था बी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल, एन माइनस वन इंटू डेल। ये हमने सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन में बड़ी डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। डेल आपके पास ये रेज के दरमियान डिस्टेंस है सेपरेशन, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेज हैं और डी आपके पास स्लिट टू स्लिट विड्थ है, यानी एक स्लिट से दूसरे स्लिट तक का फासला। तो ये एन माइनस वन जो था, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आइगन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं सिंगल स्लिट के, हमने एक्सप्लेन किया था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन। एम्पलीट्यूड का रिलेशन था ई वन इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर बीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टू माइनस वन। अब यहाँ पर वन माइनस वन अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, तो वन माइनस वन आपके पास जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो फाइव वन बचेगा। इसी तरह से दूसरे स्लिट के लिए लेंगे टू माइनस वन फाइव वन, इसी तरह थ्री माइनस वन एंड सो ऑन। तो ये आप यहाँ पर ऐसे डैश डैश लगा देंगे, डैश डैश का मतलब तमाम टर्म एस डी सेम चलती जाएंगे। तो लास्ट में जब आप इस टू की जगह थ्री लिखेंगे, फोर लिखेंगे, ठीक है, तो एंड सो ऑन। और जब लास्ट में आप जाएंगे तो लास्ट के लिए जो सेकंड लास्ट है दैट विल बी द सोर्स ऑफ द लास्ट वन। तो ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस बीटा, तो ये माइनस फाइव की जगह आ जाएगा एन माइनस, यानी इसकी जगह आ जाएगा एन माइनस वन इंटू फाइव। यहाँ पर जो बीटा था, दिस वाज डिफाइंड एज पाई ओवर लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, और फाई आपके पास फेज डिफरेंस है, पाई ओवर लैम्डा बी साइन थीटा। वन मीन यहाँ वन आ जाएगा, सेकेंड स्लिट मीन फाइव टू है तो टू आ जाएगा, थ्री है तो थ्री आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो फील्ड पॉइंट है एन स्लिट का, वो पॉइंट पी पर लाई करता है इस जगह पर, यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पर हम डायफ्रेक्शन पैटर्न स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव वही सेम है कि हमने इन एन स्लिट के लिए एम्पलीट्यूड निकालना है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी निकालनी है, और उन तमाम इंटेंसिटी पैटर्न का हमने फाइनली मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेशनशिप निकालने या उनके ऑर्डर डिफाइन करने और फिर उसका इंटेंसिटी पैटर्न डिफाइन करेंगे। तो तमाम स्लिट के पैटर्न को आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास इन तमाम को ई वन ई टू ई थ्री ई एन तक आप ऐड कर देंगे, ये तमाम को हमने ऐड कर दिया। इन तमाम में ये जो फर्स्ट टर्म है दिस वन ए साइन बीटा ओवर बीटा, इसको हमने ले लिया कॉमन, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे तो ये आप देख सकते हैं सारी एज इट इज़ आ जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इसका मतलब दिस इज़ अ रियल पार्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज़ अ रियल पार्ट ऑफ दिस वन, यानी हम रियल पार्ट लेते हैं। प्रैक्टिकली जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप रियल पार्ट डिस्कस करते हैं, इमेजिनरी पार्ट कंसीडर नहीं करते। और लास्ट में हम ले लेंगे एन माइनस वन इंटू फाइव फाइव वन। ये जो बार आ रहा है आपके पास, बार मीन ये इन्फिनिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर,
तो फाई मीन फेज डिफरेंस। अब इसमें से आप देखें, इस इक्वेशन में से ये जो फर्स्ट टर्म है की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस बीटा, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, तो दिस इज टेकन एज कॉमन, तो फर्स्ट टर्म वन हो जाएगी और ये सारे में यहाँ पर आयोटा ओमेगा टी माइनस बीटा कॉमन, आयोटा फाई वन और लास्ट में माइनस आयोटा एन माइनस वन इंटू फाई वन। अब ये अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज का रिलेशन बन गया, यानी वन माइनस आर ओवर वन माइनस, यानी वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया, वन माइनस आर एन, अगर आर आपके पास ई की पावर आयोटा फाई है तो वन माइनस आर एन, ये देखें वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से लाइक सिंगल स्लिट इंटेंसिटी पैटर्न, हमने इसमें से कॉमन लेना आए ई की पावर माइनस आयोटा एन फाई ओवर टू, तो ये हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ये जैसे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन मीन डिवाइड, तो फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड कर देंगे, सेकंड के साथ भी, तो फर्स्ट में तो एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड में क्योंकि माइनस ऑलरेडी मौजूद था, ये ऊपर जाकर एलसीएम लेंगे तो माइनस फाइव बाई टू बन जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसमें आप ये देख सकते हैं ये तमाम एक्सपोनेंशियल के जो बेस हैं ये तीन हमारे पास आ रहे हैं, तमाम के हम बेस को कम्बाइन करके इकट्ठा लिख देते हैं, ये हमने कम्बाइन कर दी इस टर्म के अंदर, और ये टर्म आपके पास जो होगा इन टर्म ऑफ कॉस एंड साइन। कैसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये सिंगल टर्म बनेगी कॉस ऑफ एन फाइव ओवर टू प्लस आयोटा साइन एन फाइव ओवर टू, इसी तरह से ये बनेगा कॉस ऑफ आयोटा एन फाइव वन ओवर टू माइनस साइन आयोटा साइन एन फाइव वन ओवर टू, और इसी तरह से कॉस आयोटा फाइव वन ओवर टू एंड दिस वन। तो इनको जब आप एक्सपेंड करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कॉस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाली दो टर्म हमारे पास बच जाएंगे, और ये तमाम बेस को हमने कंबाइन कर दिया, ये एज इट इज़ आ गया। तो ये हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। इसमें आप देखें ये जो टर्म आ रही है फाई वन, फाई को हमने डिनोट किया था पाई वाले लैम्डा डी साइन थीटा, यानी ये अगर आपको टू से करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू पाई वाले लैम्डा, तो लेट्स से दिस इज कॉल्ड साई, फर्स्ट करें इसको हम नाम रख देते हैं साई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, इसमें ये वही चीज़ दोबारा रिपीट की हुई, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखें आप साइन एन की जगह हमने साई पुट कर दी, और यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया साई, यानी ये फाई की वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी, और ये कॉस एज इट इज़ आ गया। तो अगर आप इसका लेना चाहते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पैटर्न के लिए हमें ये एम्पलीट्यूड का स्केयर करना पड़ेगा, तो हम इस पूरी टर्म का क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम स्केयर कर लेते हैं, तो स्केयर करने से आप देखेंगे जो एम्पलीट्यूड है दिस विल बिकम इन टू इंटेंसिटी, और ये जो ए है, ठीक है, ये ए स्केयर बन जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा कॉस, इसकी एवरेज वैल्यू आएगी वन बाई टू, यानी जीरो प्लस वन ओवर टू, तो वन ओवर टू, तो ये हमारे पास आ जाएगी वन ओवर टू यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और ये साइन स्केयर बीटा और साइन स्केयर एन साई ओवर इंटू साई स्केयर। यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है ये डिफरेंट पैटर्न के लिए आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं थीटा जीरो है तो वो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आपके पास जो रिलेशन आएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो, इसको अगर हम हल करेंगे सैंडविच थ्योरम से तो इसका आंसर हो जाएगा वन, तो बाकी ये टर्म आपके पास आएगी ए स्केयर ओवर टू, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, देखें सिंप्लीफाई करके साइन स्केयर ए स्केयर ओवर टू साइन स्केयर बीटा ओवर बीटा, और यहाँ पर जो बीटा दैट इज़ इक्वल टू पाई ओवर लैम्डा बी कॉस ऑफ थीटा। इसमें अगर आप देखें थीटा अप्रोच करें ज़ीरो को, तो थीटा अप्रोच मीन बीटा अप्रोच टू ज़ीरो, अगर बीटा अप्रोच टू ज़ीरो है तो ये चीज़ आपके पास वन आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको इसमें बता दिया।